अभी पेन थोड़ी है, अब जो ऊपर करता हूं तो होता है नॉर्मल है। और दांत में? दांत में है, कहां पर है? राइट साइड नीचे गम्स में, राइट साइड गम्स में। कौन से एरिया में? लास्ट एकदम लास्ट, राइट शोल्डर में। राइट शोल्डर में, तो शोल्डर पर ट्राई करेंगे, दांत में ट्राई करेंगे। सर देखो दांत के चुभन है तो अभी फील हो रहा है अंदर से, पर शोल्डर तो सब कुछ ठीक है सर, तो चलो शोल्डर तो फिर शोल्डर पर मैं ट्राई कर लूँगा क्योंकि वो कर लूँगा दांत। दांत का दर्द एक बिस्किट खिलाओ जी इसको। हाँ हाँ ये लो, हाँ हाँ चेक किया, हद हो गई। कम हो गई तो खा के बताओ। हाँ जी सेम है, कम है, कम है। हाँ कोई बात नहीं, कितनी? बेटर हो गया बिस्किट खाना और
सिमेट्रिकल में लॉन्ग चैनल का पार्ट, भले उस पर वो नहीं लगा है लेकिन सिमेट्रिक में लॉन्ग चैनल का पार्ट नहीं, इस पर पता नहीं लगता सिलेक्शन करे तो भैया लीकर का ही जो भी चाहते हैं उसके हिसाब से करें सीधा ट्राई करके देखते हैं इसे किस सीट का पता चलता है तो अच्छा सिलेक्शन से भी अप्रूव करें तो सीट का सिलेक्शन करते हैं। भैया क्या करते हैं इसमें कोने पीछे का सीट का इसको सिलेक्ट करते हैं इसको करके देखते हैं पार्ट के अंदर आपको चेक करना है और चेक करना है और एकदम लास्ट का है या कौन सा नहीं जो जॉ है वो एकदम लास्ट वाली है राइट साइड की या लास्ट के आगे वाली है लास्ट वाली है तो एकदम नीचे जाना चाहिए लास्ट वाला पॉइंट है तो देखो नाखून पे तो नाखून और ये प्रॉब्लम है सिगरेट पीने वालों के तंबाकू खाने वालों को तो इसका मतलब है खाली दांत की प्रॉब्लम नहीं है अंदर गम में भी प्रॉब्लम है तो गम कहाँ पर है स्किन पर है पहले चेक इसकी इंटेंसिटी देख ली अपनी टॉलरेंस क्या है और नेल पे भी होगा दर्द नेल पे भी होगा नेल पे भी चेक कर सकते हो क्योंकि टीथ तो ही है ना पर नेल पे चेक करते हो इसका स्लिप होने का चक्कर रहता है तो आप क्या करो नाखून के कॉर्नर से चेक करो है देखो चेहरे पे भी आता नहीं आता पेन तो नाखून का पता लगा तो उसके पास में वापस स्किन पे देखो और देखो तो थोड़ा स्टिमुलेशन करो क्या खुशी ना रहते मूंग का दाना दो एक अब देखो एक बार मुझे थोड़ा पेन काफी कम है जो मेरे हिसाब से बाकी रह गया ना क्योंकि दर्द था तो इंफ्लेमेशन थोड़ा सूजन होगा वो उसमें वो ग्लूकोज में लेकिन जितना है बहुत अच्छा है गुड बेरेबल है तरीके से अरेंजमेंट करो सीट का कि दोनों पे अभार आ सके ये दिखा देंगे सबको एक्चुअली नेल के ऊपर मुंह टिकता नहीं है पर वो मैं क्या यह पॉइंट पे मुंह लगाना चाहता हूँ तो मैं दोनों जगह एक बार मेथी लगाऊंगा मेथी देखो अभी एक बार आपको दिखाने के लिए नेल के ऊपर भी और स्किन के ऊपर भी अभी क्योंकि अभी नॉर्मल कोर्स में पहले टेप नहीं लगा था लेकिन अभी नाखून तो स्लिप होता है हाथ
इसलिए एक बार टेप लगा के देख रहा हूँ ताकि मैं दबा के एक बार चेक कर सकूँ ढंग से। अब दबा के देखो, चेक कर लेना कैसे जगह लगा भी लगा है, दोनों पर नेल पे भी है और स्किन पे, दोनों जगह है पे। देखो ऊहू निकल गया, वो ताकत लगा रहा हूँ क्या? रिजल्ट बताओ थोड़ा। बहुत सही है, पेन एक्चुअली फील हो रही है। हाउ यू आर फीलिंग नाउ? गुड। और क्या कहना है इसके लिए? क्या कहना है? हर दो तीन घंटे में दबाना है। क्या करना है? हर दो तीन घंटे में दबाना है। कितनी देर के लिए? एक बार में, एक से दो मिनट तक एक बार में। और ऐसा नहीं टेप लगा दी, हर दो तीन घंटे में दबा देना है, दबा के बताना है, ऐसे दबाना है, दबा के बताना है। पेशेंट को क्या मालूम कैसे दबाना है, बताना है कि ऐसे दबाना है, ऐसे दबाना है। कल देखेंगे, चलो कल पूछेंगे आपसे क्या बात है। थैंक यू सर, ये आपका डॉक्टर।